हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री के संबंध में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री का स्तर, ये कल हमने देखा कौन कौन मुख्यमंत्री के जिन जिन के बारे में हमने पढ़ा। आज हम देखते हैं मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। भारतीय संविधान में वैसे तो मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों को बहुत ही सीमित लिखा गया है, उल्लेख मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 167 केवल 3 प्रकार के कार्य को आदेश देता है। राज्य प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंधित जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद में लिए जाते हैं, उनकी सूचना राज्यपाल को पहुंचाएगा। राज्य प्रशासन और विधान के प्रस्तावों संबंधी जो भी जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगी जाए उसे पहुंचाएगा। तीसरा पॉइंट है, किसी विषय को जिस पर किसी एक मंत्री ने निर्णय ले लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया हो, राज्यपाल के कहने पर मंत्रिपरिषद के सम्मुख विचारार्थ रखने का कर्तव्य होगा। हमारे यहाँ भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह वास्तविक कार्यपालिका के नाते अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और निर्णय नीतियों का क्रियान्वयन करता है। तो इस आधार पे सुगमता के लिए मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का अध्ययन हम निम्न बिंदु के आधार पे कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कार्यपालिका संबंधी कार्य और शक्तियाँ। वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख होने के नाते राज्यपाल की सविवेक शक्तियों का छोड़कर संपूर्ण कार्यपालिका का शक्तियों का उपयोग सही अर्थों में मुख्यमंत्री स्वयं ही करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा ही सुझाए जाते हैं। यद्यपि संविधान में प्रावधान है कि मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, जबकि संसदीय प्रणाली होने के कारण मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण, मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन, विघटन आदि मुख्यमंत्री के सविवेक के क्षेत्र में आते हैं। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाते मुख्यमंत्री कुछ दैनिक प्रवृत्ति के कार्य हैं, जैसे मंत्रिमंडल की बैठक की तिथि, समय और स्थान निश्चित करना, बैठकों की कार्यसूची पर नियंत्रण रखना, बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठकों में होने वाले विचार विमर्श को सही दिशा देना। राज्यपाल के द्वारा होने वाली संपूर्ण नियुक्तियां, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य का महाधिवक्ता, विश्वविद्यालय के कुलपति आदि मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय में की जाने वाली नियुक्तियों के विषय में सही अर्थों में राज्यपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री ही परामर्श देता है। व्यवस्थापिका द्वारा नीतियों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात राज्यपाल उसके प्रभावी व कुशल क्रियान्वयन के लिए उचित व्यवस्था करता है। मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन और राज्यपाल के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी है। संपूर्ण प्रशासन में समन्वय स्थापित करना उसका प्रमुख दायित्व है। दूसरा पॉइंट है व्यवस्थापिका संबंधी कार्य। मुख्यमंत्री किसी भी विषय पर व्यवस्थापिका के सम्मुख रखने से पूर्व उसे अंतिम रूप देता है। राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के सम्मुख दिए जाने वाले अभिभाषण को तैयार करवाता है। एक ओर वह व्यवस्थापिका और राज्यपाल तथा दूसरी ओर व्यवस्थापिका और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का काम करता है।
राज्य विधानमंडल में राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नामजदगी मुख्यमंत्री के परामर्श से ही की जाती है। विधानसभा में रखे जाने वाले प्रस्ताव या विधेयक पर मुख्यमंत्री की पूर्वानुमति आवश्यक है। विभिन्न मंत्री विधानमंडल में बोलते समय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान रखते हैं। जब कोई मंत्री विधानमंडल के सम्मुख कठिनाई में होता है तो मुख्यमंत्री उसकी सहायतार्थ आगे आता है। वह व्यवस्थापिका का सत्र आमंत्रित करने, स्थगित करने और विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। विधानमंडल के सत्र में नहीं होने पर आवश्यक जान पड़े तो मुख्यमंत्री किसी विषय पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का को कह सकता है। अध्यादेश वापस लेने या उसे विधि का रूप देने के लिए विधानमंडल के सम्मुख रखने के विषय में वह अंतिम निर्णय लेता है। प्रतिवर्ष राज्य का वार्षिक बजट तैयार करवाकर विधानमंडल द्वारा उसे स्वीकृत करवाना उसका प्रमुख दायित्व है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक कार्य। संसदीय व्यवस्था होने के कारण मुख्यमंत्री कुछ न्यायिक दायित्वों का निर्वाह भी करता है। राज्य कानून के उल्लंघन पर दंडित व्यक्ति को सजा कम कर सकता है, सजा पर रोक लगा सकता है, सजा बदल सकता है और सजा पूर्णतः माफ कर सकता है। ऐसा वह राज्यपाल के माध्यम से कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जिस समय राज्यपाल से परामर्श किया जाता है तो वास्तविक स्थिति यह है कि परामर्श मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक कार्य। वास्तविक राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख होने के नाते मुख्यमंत्री का यह प्रथम दायित्व है कि वह राज्य प्रशासन में समन्वय बनाए रखे और उसका पर्यवेक्षण करे। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि पर मुख्यमंत्री निकट से दृष्टि रखता है। राज्य सचिवालय का मुख्य सचिव, जो कि राज्य प्रशासन का शीर्ष अधिकारी है, मुख्यमंत्री का विश्वासपात्र अधिकारी होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेता है तथा नीति निर्धारण और उसके क्रियान्वयन को व्यवहारिकता दिलाता है। संसदीय प्रणाली में सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक विधायक, मंत्रीगण और लोक सेवक मिलजुल कर कार्य नहीं करते। राज्य नीतियों का निर्माण करना सैद्धांतिक रूप में व्यवस्थापिका का दायित्व है, लेकिन संसदीय व्यवस्था में व्यवहार में यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका यह दायित्व बिना लोक सेवा के सहयोग से संपन्न नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य प्रशासन को चुस्त बनाए रखता है। मुख्य सचिव प्रशासन में समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मुख्यमंत्री प्रशासन का नैतिक स्तर बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होता है। राज्य प्रशासन में संलग्न उच्च अधिकारियों का वर्ष में कम से कम एक बार सम्मेलन आयोजित कर मुख्यमंत्री उन्हें संबोधित करता है। मुख्यमंत्री इस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। कुशल राज्य प्रशासन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि मुख्यमंत्री स्वयं संपूर्ण नीतियां और कार्यक्रम तय करें, उनकी प्राथमिकताओं का क्रम निश्चित करें, दिशा निर्देश सहित क्रियान्वयन हेतु लोक सेवकों पर छोड़ दें। मुख्यमंत्री प्रयत्नशील रहता है कि अनावश्यक राजनीतिक दखल पर नियंत्रण करें, लोक सेवकों में अनुशासन, ईमानदारी, कार्य कुशलता आदि बनी रहे और वे निष्ठा व लगन से नीतियां और कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करें। प्रतिवर्ष लोकायुक्त एवं राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन विधानमंडल के सम्मुख रखवाना उसका संवैधानिक दायित्व है। इन अभिकरणों द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में सरकार की ओर से की गई कार्यवाही से व्यवस्थापिका के सदस्यों को अवगत कराता है।
जिन विषयों में इन संस्थाओं की सिफारिशों को सरकार द्वारा अमान्य किया गया उनके बारे में उसे संतोषप्रद जवाब देना होता है। मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति संविधान के अतिरिक्त अनेक तत्व हैं जिनका मुख्यमंत्री की राज्य प्रशासन में स्थिति, कार्य शक्तियों आदि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे मुख्यमंत्री के उस राज्य के राज्यपाल से कैसे संबंध हैं, उसके राजनीतिक दल में स्थिति कैसी है, क्या केंद्र में वही सत्ता में है, वही दल सत्ता में है जिसे वह स्वयं संबंधित है, उसके गुट की राजनीतिक दल में स्थिति कैसी है। इस प्रकार अनेक राजनीतिक तत्व मिलकर किसी मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति को निर्धारण करते हैं। इन तत्वों के प्रभाव में स्थिरता और एकरूपता नहीं रहती, अतः आवश्यक नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री की स्थिति सदैव एक जैसी रहे। राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ मुख्यमंत्री की स्थिति में यदि परिवर्तन हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अभी पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा राजस्थान की सरकार, राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनी हुई है राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार के ही जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं श्रीमान सचिन पायलट जी, उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर प्रश्न उठाए और वो अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कांग्रेस के जो मुख्य नेता हैं उनको अपनी बात बताई। एक बार सरकार की स्थिति थोड़ी सी असमंजस्य से रही, अब वापस विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करके विश्वास मत पारित करके सरकार की स्थिति मजबूत हुई है। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में पुनः सरकार मजबूत की स्थिति में है, अपना कुशल नेतृत्व का परिचय दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की स्थिति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। धन्यवाद।